रतन टाटा के जेमना निधन पर मुख्यमंत्री दुख व्यक्त कर्यु छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल दुख व्यक्त करी तेओने श्रद्धांजलि आपी अने तेओए कह्युं छे के देश ने क्यारेय न पूरी शकाय तेवी एक खोट पड़ी छे। हाल मुख्यमंत्री पण पहोंची चुक्या छे अने आजे सांजे रतन टाटाना नश्वरदेहना अंतिम संस्कार करवामां आवशे। गईकाले मोड़ी रात्रे आ खबर आपी आवी सामे अने त्यारबाद देश में एक शोकनो माहौल जोवा मळी रह्यो हतो। रतन टाटा न मात्र एक मोटा बिजनेसमैन परंतु साथे ज एक एवं व्यक्तित्व के जेने हमेशा देशना नानामां नाना माणस सुधी पोताना बिजनेस ने पहोंचाड़वानो प्रयत्न कर्यो। तेमनी तबियत नादुरस्त हती अने जेना कारणे तेओने हॉस्पिटल में दाखल करवामां आव्या हता। त्यारे उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा निधन बाद महाराष्ट्र में एक दिवस नो शोक जाहिर करवामां आव्यो छे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आ जाहेरात करी छे। रतन टाटा राजकीय सन्मान साथे अंतिम संस्कार करवामां आवशे। आजना तमाम सरकारी कार्यक्रम पण रद्द करी देवामां आव्या छे अने तमाम जग्याए राष्ट्रध्वज अर्धी काठीए फरकाववामां आवशे। हाल तेमना पार्थिव देहने दर्शन माटे राखवामां आव्यो छे। राजकीय औद्योगिक अने सामाजिक आगेवानो तेमना अंतिम दर्शने आवी रह्या छे अने सांजे 4 वागे वरलीना पारसी स्मशान गृहमां तेमना पार्थिव शरीर ने लई जवामां आवशे, ज्यां 45 मिनिटनी प्रार्थना बाद तेमना अंतिम संस्कार करवामां आवशे। तो भारतना अनमोल रतन एवा उद्योगपति रतन टाटानुं निधन थयुं छे। 86 वर्षनी वये रतन टाटाए मुंबईनी हॉस्पिटलमां अंतिम श्वास लीधा। देशना सौथी मोटा बिजनेस ट्रस्ट टाटा संस्थाना अध्यक्ष रतन टाटानी तबियत खराब होवाने कारणे मुंबईनी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटलमां तेओने दाखल करवामां आव्या हता, ज्यां तेमणे अंतिम श्वास लीधा। देशभरना लोकोमां रतन टाटा प्रत्ये अपार आदर हतो। रतन टाटाना नेतृत्वमां टाटा ग्रुपे महान ऊंचाईओने स्पर्शी हती। रतन टाटा 1991માં ટાટા ગ્રુપના ચેરમેન બન્યા અને ત્યારથી તેમણે ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નથી। 2012 સુધી તેઓ આ પદ પર રહ્યા। તેમણે 1996માં ટાટા સર્વિસીસ અને 2004માં ટાટા કન્સલ્ટન્સી સર્વિસ જેવી કંપનીઓની સ્થાપના કરી। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સહિતના નેતાઓએ રતન ટાટાના નિધન પર ટ્વીટ કરીને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી છે।